इसे कहते हैं मैरंगोनी इफेक्ट। सरफेस टेंशन के वजह से होने वाला ये इफेक्ट आज हम यूज करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट बनाने के लिए। हर लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे सोप सॉल्यूशन पानी का सरफेस टेंशन परिवर्तित करता है। अरे इस पेपर फ्लेक्स यानी काले मिर्च से हम पानी में सरफेस टेंशन की ढाल यानी ग्रेडियंट होने का इफेक्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पानी में हमने कुछ पेपर फ्लेक्स छिड़क दिया है। अब हम इसमें एक बूंद लिक्विड सोप डालते हैं। पानी के सेंटर में लिक्विड सोप डालने से उस जगह का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और इसीलिए सेंटर के आसपास के वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करने लगता है। लिक्विड फ्लो हमेशा कम सरफेस टेंशन वाली जगह से हायर सरफेस टेंशन वाली जगह होता है, तो इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स सेंटर से रिम की ओर खींचा चला जाता है और इसी मूवमेंट को हम पेपर फ्लेक्स की सहायता से देख रहे हैं। दो लिक्विड के इंटरफेस में ये सरफेस टेंशन के ग्रेडियंट के वजह से होने वाला ये मूवमेंट को ही हम मैरंगोनी इफेक्ट कहते हैं। शुरू में जो एक्सपेरिमेंट देखा उसमें सरफेस टेंशन ग्रेडियंट कैसे हो रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल चतुर, पर उससे पहले हमें देखना होगा कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने लिया था सनफ्लावर ऑयल और जो कलर ड्रॉप आपने देखा था वो था मिक्सचर पानी, फूड कलरिंग और एक टाइप का अल्कोहल जिसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इस मिक्सचर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन सही मात्रा में होनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली करने के लिए। शुरू में जब ड्रॉप गिरा तो उसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होने के कारण सरफेस टेंशन भी सेम था, पर तुरंत ही जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इवेपोरेट करना शुरू हुआ ड्रॉपलेट के आउटर रिम से, तभी एक सरफेस टेंशन ग्रेडियंट बन गया और इसीलिए हम मैरंगोनी इफेक्ट देख सके। जैसे इधर हमने देखा कि अल्कोहल की इवेपोरेशन की वजह से ये इफेक्ट हुआ, वैसे ही 19th सेंचुरी में एक ग्लास ऑफ रेड वाइन जिसमें भी अल्कोहल है उसमें भी ये इफेक्ट देखा गया था। इसे फेमसली टीयर्स ऑफ रेड वाइन भी कहा जाता है। तो चलिए अब इस मैरंगोनी इफेक्ट को यूज करके करते हैं कुछ दिलचस्प एक्सपेरिमेंट, जिसे करने के लिए हमें किचन में पाए गए कुछ सामान चाहिए। तो यहाँ भी सोप वाटर के वजह से मिल्क में एक सरफेस टेंशन ग्रेडियंट बन गया और जिसके वजह से ये ड्रॉप फैल गया। तो यहाँ हमने फूड कलरिंग यूज करके कुछ पैटर्न्स बनाए हैं। आप डिफरेंट इंक यूज करके कई तरह के पैटर्न्स बनाइए और नीचे दिए गए लिंक पे हमें भेजते रहिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।